चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर, देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं रुन राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जनपद बागपत के कासिमपुर खेड़ी गांव में, जहां से श्रीमती टीना धर्मपत्नी भूपेंद्र सिंह उर्फ मुंशी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। भूपेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं, जानेंगे इनसे कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है और चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं। भूपेंद्र जी सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद जी। अच्छा भूपेंद्र जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं? चुनाव चिन्ह मिली है जी, चुनाव के मैं समाज सेवा से प्रेरित होकर अपने चुनाव लड़ रहा। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं गांव की, उन पर मैं पहले से भी और अब भी ध्यान दे रहा हूं। अच्छा भूपेंद्र जी, आपने बचा आपका चुनाव चिन्ह इमली है जी, तो चलो अच्छी बात है कि ये फल का स्वरूप होता है, पूजा में इस्तेमाल होता है, चुनाव चिन्ह आपका बहुत अच्छा है। अच्छा भूपेंद्र जी, क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों कि आप राजनीति में क्यों आए, क्या उद्देश्य आपका राजनीति में आने का? समाज सेवा के लिए। तो आप चाहते हैं कि राजनीति में आके समाज सेवा करें। अच्छा, आप अब से पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं पढ़ाई करी जी अपने, एम ए बी एड हूँ, तब उसके बाद में मैं राजनीति से प्रेरित हुआ कि मैं भी अपने समाज में समाज के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे देखे कि भाई हमारे गांव समाज में हमारे में ये सुविधा नहीं है, तो उसे अपने गांव के से जब का विकास कर विकास के लिए। अच्छा भूपेंद्र जी, आप बताएंगे जैसे आपने मूलभूत सुविधाओं की बात की जी, कौन सी वे मूलभूत सुविधाएं हैं जो अब तक गांव जिससे अब तक नदारद रहा है, वो कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे आपका गांव अब तक नदारद रहा है, क्या आप उन पर प्रकाश डालेंगे? हाँ जी, पहले से भी हमारे गांव तो एजुकेशन के लिए जाना जाता है जी। पर मेरा मेन मकसद है जी कि मैं एजुकेशन को इतने ऊपर लेकर जाऊँ कि हमारे बच्चे आजकल बेरोजगारी की समस्या सर्दी से जूझ ना पाए जी। और पानी बिजली जो भी है, बहुत सारी सुविधा हमारे पहले प्रधान जी रहे राजेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत ध्यान दिया इसमें और उनके पद चिन्हों पर मैं भी चलना चाह रहा इसके लिए। अच्छा, तो आपके परिवार से पहले प्रधान रह चुके हैं जी, तो आप चाहते हैं कि जो विकास कार्य है उनके द्वारा कराए गए और जो अधूरे रह गए थे उनके सपनों को आप आगे बढ़ा के चले। अच्छा भूपेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है युवाओं में, आपने युवाओं की बात की, बेरोजगारी की आपने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समाज में एक नशावर्ती जो लगातार अपने पैर पसारती जा रही हैं, उसको लेके आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अब चुनाव का दौर है और एक ट्रेंड जो ये नया बना हुआ है कि आप देखते हैं आए दिन शराब को लेके कहीं ना कहीं पुलिस की दबिशें होती है, पुलिस मुकदमे प्रत्याशियों पर थोप रही है, कोई प्रत्याशी शराब भी बांट रहा है तो उस पर मुकदमा लगा दिया जाता है, तो आपका क्या कहना है, क्या आप समाज को संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जो चुनाव आप लड़ रहे हैं वो किस तरीके का होना चाहिए? नशे से तो बहुत दूर हूँ जी, मैं भी नशा में आज तक भी मैं नशे के प्रति तो मैं बहुत खिलाफ हूँ जी। हाँ जी, और ये चाहता हूँ कि मेरे कोई भी नौजवान नशे की तरफ को प्रेरित ना हो जी। भूपेंद्र जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि जब गांव का या क्षेत्र का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति इस नशे से दूर होगा तभी तो समाज को सुधार पाएगा, क्योंकि एक संदेश आप देने निकले हैं, कल आप विजय प्राप्त कर जाते हैं और कल आप जब समाज में निकलेंगे और कहीं नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक छवि लोगों के दिमाग में निकल कर सामने आएगी कि जो संदेश आज भूपेंद्र जी हमको देना चाह रहे हैं वो खूबियाँ इनके अंदर है या नहीं, वो आपने बताया कि वो खूबी आपके अंदर है। अच्छा, आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि हम प्रधान बनने के बाद गांव में ये मुख्य समस्या है और इनका निवारण जल्द से जल्द करेंगे जी? क्या ब्लूप्रिंट है? मेन समस्या तो पहले मेरी जल निकासी है, मेरे गांव में थोड़े जोड़ है, उनके मैं पहले भी प्रयास करा तो वे शासन से मेरे हो नहीं पाए, मैं फाइल बनवाई। मेन समस्या हमारी है कि हमारे उसके निस्तारण कराया जाए इसका, उसके बाद में एजुकेशन है, स्पोर्ट्स की सुविधा है, स्पोर्ट की सुविधा तो है नहीं सब। पहले मैं भी स्पोर्ट में रहा, क्रॉस कंट्री का मैं रेसर रहा जी। तो मैं भी चाहूँ कि मेरे बच्चे स्पोर्ट की तरफ को, गांव के युवा भी स्पोर्ट में जाए। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, आपने बताया कि आप स्पोर्ट्समैन हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि स्पोर्ट्स को लेके अग्रणी रहेगी। अच्छा भूपेंद्र जी, आपके गांव में जैसे अब सरकार एक योजना चलाती है पेंशन योजना, क्या गांव में सभी बुजुर्गों को, विधवाओं को और विकलांगों को पेंशन मिल रही है? पूर्ण रूप से तो मिल नहीं रही,
बहुत ही कम हैं, मैं उनमें प्रयास कर रहा हूँ जी, उन सब लोगों को जो उनसे इसके काबिल हैं उनको पेंशन मिले। एक सवाल हमारा रह गया था कि आपने समाज सेवा की बात की थी कि आप जैसे वोट मांगने जाते हैं तो जो छवि आपकी अब तक है, आपने समाज के लिए क्या ऐसा कार्य किया है कि लोग खुश होकर आपको वोट देना चाह रहे हैं? जी पहले तो मेरा लोगों से बिल्कुल इतना व्यवहार है, मेरे जो मिलनसार हूँ मैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मुझे बहुत हैं, और मेरे जो नौजवान हैं मेरे साथ ही सब, मुझे बहुत ही बहुत उनका प्यार मिला जी। तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह इमली है, क्या अपील आप करना चाहेंगे? ये तो जी मैं सभी के साथ आगे निवेदन करूं जी, आपको मैं पहले भी कह चुका कि मैं जो भी ये नशाखोरी चल रही है ये शिक्षा के उसमें, यही मैं उनके लोगों को बताऊं, इनसे नशा से दूर रहो भाई, अपने शरीर को बिल्कुल इस तरह से ना करो कि हम इसमें इतना हो जाए कि हम कहीं लायक ना रहे। धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े थे अभी भूपेंद्र सिंह तोमर जी, इनको यहाँ पर मुंशी के नाम से जाना जाता है, समाज के लिए लंबे समय से कार्यरत हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, पेंशन को लेकर भी लगातार इनका प्रयास जारी है। मुख्य उद्देश्य गाँव में जो पानी की निकासी है बड़ी समस्या है, इनका मानना है कि अगर गाँव की जनता ने अब की बार मौका दिया तो पानी की निकासी की समस्या खत्म होगी, गाँव में खेल का मैदान होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। अब जान लेते हैं कुछ यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं कि वो भूपेंद्र जी को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि भूपेंद्र जी ने जो अभी तक बताया वो उनकी द्वारा बताई गई तारीफ थी, जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं वो इनको पसंद क्यों करते हैं और भूपेंद्र जी को समर्थन करना क्यों चाहते हैं? बाबा जी आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम सुरेश पाल है। अच्छा सुरेश पाल जी, आप भूपेंद्र जी के पास आए हैं तो जाहिर सी बात है जब साथ में बैठे हैं तो समर्थन इन्हीं को कर रहे होंगे, ऐसा क्या खूबी आपने भूपेंद्र जी में देखी कि आप इनको समर्थन कर रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं? ऐसा है, मेरी उम्र करीब 70-73 वर्ष की हो चुकी और मैं 5-7 प्रधानों का चुनाव भी लड़ चुका, इतना काम इन्होंने बगैर प्रधान के पद पर रहते हुए ना रहते हुए भी किया है कि आदमी आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इन्होंने निर्माण करा शमशान घाट तक, निर्माण करा नालों का, निर्माण करा जो है मंदिर हमारे यहाँ एक बहुत पुराना मंदिर, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बढ़िया मंदिर जो है इसके सहयोग से बना है। तो बिना किसी पद के तो इन्होंने ये समाज सेवा मानते हुए ये काम कंप्लीट कराए हैं। तो मेरे साथ युवा भी है यहाँ पे बैठे, इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि जब साथ में बैठे हैं तो एक पक्ष इनका भी मानना जरूरी है, बुजुर्ग का तो हमने पक्ष जान ही लिया। तो आप बताएंगे कि आप क्यों पसंद करते हैं भूपेंद्र जी को? देखो जी, भूपेंद्र जी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि भूपेंद्र जी ने काम बहुत अच्छे करे जी। और हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या थी एक मंदिर की, बहुत ज़्यादा समस्या थी, लेकिन भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, बहुत अच्छा वो करा, और हम तो ये चाहते हैं कि आगे हमेशा आगे अच्छा काम करे जीतने के बाद भी, और जो गाँव वाले पूरे इनके साथ दें, इतना अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, क्या जैसे चुनाव चल रहा है जी तो आप लोग भी कैंपेनिंग कर रहे होंगे, डोर टू डोर जा रहे होंगे जी, कैसा समर्थन है आपको? समर्थन भरपूर है, पूरा भरपूर समर्थन है और 100-100 जीत होगी। शुक्रिया। देखिए हमने यहाँ से बुजुर्ग थे इनसे बात की, युवा है इनसे, इनका भी पक्ष जाना, ये भी भूपेंद्र जी के पक्ष में है, और जो इन्होंने सबसे बड़ी बात दोनों पक्षों ने बोली, बुजुर्गों ने भी और युवाओं ने भी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बात कॉमन है कि बिना किसी राजनीतिक पद के इन्होंने जो गांव में विकास कार्य कराए, धार्मिक कार्यों की अगर बात करें तो मंदिर का निर्माण कराया, गांव के शमशान घाट का निर्माण कराया, और एक दो काम इन्होंने जो और भी बताए हैं जो बिना किसी पद के किए हैं, तो ऐसे में कासिमपुर खेड़ी की जनता सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति बिना किसी पद के इतना विकास करा सकता है, अगर यह जनता उसको एक पद दे, एक दायित्व दे, अपना आशीर्वाद दे, तो उस पद पर बनकर क्या नहीं कर सकता। अब यह तो समय ही बताएगा कि कासिमपुर खेड़ी की जनता भूपेंद्र सिंह तोमर की धर्मपत्नी टीना देवी को कितने मतों से विजय बनाती है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।